बहुत तंग करते हो बेटे मुझे। खाने के वक्त पे सैंडविच, चलो तुम्हारी फरमाइश थी बना दिए, खाओ। नहीं नानू अभी भूख नहीं है। अरे सुबह भी थोड़ा सा नाश्ता किया था, अभी भूख नहीं है? आप खुद ही तो कहती है मैं खुद इतना सा हूँ, तो खाना भी इतना सा खाऊंगा ना। बदमाश, बहुत बातें करने आ गई है मेरे बच्चे को। आने दो, तुम्हारी माँ को बताऊंगी कि ये नानू को बहुत तंग करता है। लगता है मम्मा आ गई है, मैं छुप जाता हूँ। जल्दी से छुप जाओ, जल्दी से। आगे मेरी बेटी। अस्सलामुअलैकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गई? मसरूफियात नहीं थी आज तो, बस सुबह आपने जो लिस्ट नहीं दी थी ये भी सारी चीजें मिल गई, देख लूंगा। अच्छा किया। ये अदनान कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा। यहीं कहीं होगा, मुझे क्या पता कहाँ। अदनान, अदनान, अदनान। के बच्चे डरा दे अपनी माँ को। मेरा नॉटी बच्चा, मेरे बच्चे ने खाना खाया? बिल्कुल भी नहीं खाया। ये देखो सैंडविच इसकी फरमाइश पे बनाए थे, पैसे के वैसे पड़े हैं, कुछ भी नहीं खाता, सारा दिन भूखा रहता है। खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? माँ जो मेरे लिए सब्जी बनाई थी ना आपने आज, वही लगाए खाने में। आज इसको सब्जी भी खिलाती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाता। अच्छा नानों को बच्चा, चलो जरा क्लासरूम में तुम्हारी। नाम रामीन दानिश, उम्र 32 साल, मैरिटल स्टेटस तलाक याफ्ता, कराची के बेहतरीन स्कूलों में से एक की मालिका। बेटा ये लो चाय। रामीन फोन बज रहा है। बजने दो, जरूरी काम होगा उसे। उठाओ फोन। छोड़े भी, मैं बहुत सर में दर्द हो रहा था। क्या करूं मैं तुम्हारा, और कितने पापड़ बेलूं? 2 साल से नौकरों की तरह तुम्हारा स्कूल संभाल रहा हूं मैं, तुम्हारी खपती माँ की फरमाबरदारी कर रहा हूं, गुलामों की तरह तुम्हारे आगे पीछे फिरता हूं, मगर तुम्हें नजर नहीं आता। अरे इतना तो कोई किसी भिखारी को नहीं थुतकारता जितना तुमने मुझे थुतकारा है। आखिर कब करोगी तुम मुझसे शादी? मुझे इसका जवाब चाहिए, अभी इसी वक्त। एक बार, बस एक बार तुम्हें शीशे में उतार लूं मैं, फिर देखना कैसे मैं तुम्हारा गुरूर किरची किरची करता हूं रामीन मैडम। चाय तो बहुत अच्छी है मां। अच्छा तो तौसीफ भी बहुत है, बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा, दिल से मोहब्बत करता है वो तुमसे। और काम में भी बहुत ईमानदार है। रामीन, और क्या चाहिए तुम्हें? आप फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कहा भी है, मैंने नहीं करनी है दूसरी शादी, मगर नहीं, आप हर दूसरे दिन किसी ना किसी की तारीफों के पुल बांधने बैठ जाते। बेटे, इसलिए कि मैं माँ हूँ तुम्हारी। मुझे हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र रहती है। मैं आपको कितनी दफा कह चुकी। लेकिन बेटा, पहले तुम मेरी बात सुनोगे ठंडे दिलो दिमाग से। अदनान तौसीफ को पसंद करता है। अभी छोटा बच्चा है वो, आसानी से उसे बाप के रिश्ते में कबूल कर लेगा। समझ जाओ बात। आप समझ नहीं रही हैं। लेकिन बेटे, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं बीमार रहती हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, किसी वक्त भी मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर क्या करोगी? एक मासूम बच्चे के साथ इस दुनिया और वो दुनिया जो इतनी जालिम है, उसका कैसे मुकाबला करोगी? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे दुनिया नहीं कोई मैदान जंग है जहाँ मुकाबला करने के लिए मुझे किसी ढाल की ज़रूरत है। इस दुनिया में और भी तो औरतें हैं जो अपने काम से काम रख रही हैं और ज़िंदगी गुजार रही हैं, जी तो रही हैं। हाँ बेटा, गुजार रही हैं ज़िंदगी, जी रही हैं, लेकिन खुशी खुशी नहीं जी रही हैं। बेटे, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जिए, हंसी खुशी जिए, अपने शौहर के घर मुतमीन ज़िंदगी गुजारे। और रामीन, इस बात की तो शरीयत भी तुम्हें इजाजत देती है। अभी आप मुझे दुनिया से डरा रही थी, अब आप शरीयत की बातें कर रही हैं। जरूरी है बेटा, क्योंकि हमें जिंदगी भी गुजारनी है और आखिरत की फिक्र भी करनी है। मेरे पास मेरा बेटा है, उसको संभालने के साथ साथ मैं अपनी दुनिया और आखिरत भी संभाल ही लूंगी। रामीन, तुम्हें क्या लगता है खुदा ना खास्ता मैं तुम्हारे किरदार पे शक कर रही हूँ? ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, मैंने उसकी तरबियत की है, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है। बस, कुछ नहीं होगा मेरे अंजाम को। आज नहीं तो कल अदनान बड़ा हो जाएगा और फिर वो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड अपने बाप के पास चला जाएगा और तुम अकेली रह जाओगी। क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? अदनान सिर्फ तब तक है तुम्हारे पास जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, और ये जिंदगी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। बुढ़ापा आ जाएगा और उस बुढ़ापे में कोई आसरा नहीं बनेगा। रामीन, सिर्फ एक बेजान लाठी का आसरा होगा। इसलिए बेहतर है तौसीफ को अपना सहारा बना लो। वो बेचारा भी अकेला है, एक मामू के सिवा उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है। उसे भी सहारे की जरूरत है और तुम्हें भी। हाउ टिपिकल ना, आप मुझे मजबूत बनाने के बजाय मुझे उल्टा और कमजोर कर रही हैं। कमजोर नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ, और आने वाले कल की हकीकत जो है ही नहीं। उसकी कैसी हकीकत? हकीकत बस वही है जो अभी है। वो हकीकत ये है कि अदनान को मेरी तवज्जो और केयर की जरूरत है। रामीन, बस अम्मा, इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं प्लीज। क्या हुआ भाई, बेजार क्यों बैठा हुआ है? डांट पिटी है फिर से क्या रामीन मैडम से? पता नहीं यार, ये लड़कियां इतना नखरा कहां से लाती हैं। बंदा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मजाले जरा सी कर्टिसी ही दिखा दें। पता नहीं भाई, मैंने तुझे पहले ही बोला था, छोड़ दे उसका पीछा, वो नहीं मानेगी। क्यों, अपनी तरह समझ रखा है क्या? बेटा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि पहली बार इनकार सुन के पीछे हट जाऊं और फिर दिल में हसरतों का मज़ार लिए घूमता फिरता रहूं। मैं तो रामीन को शादी के लिए राजी करके ही रहूंगा। भाई देख, मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। जो नसीब में है इंसान को वो कबूल कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जब मैं रामीन से शादी करूंगा और वो मेरी बीवी बनेगी, तुम्हारी भाभी, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। ऐसे ये मुझे होते हुए नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। वाह 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 मेरे दोस्त, वाह, तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन अफसोस, तुम्हारी ये सारी अच्छाइयां भी रामीन को इम्प्रेस नहीं कर सकी। नहीं तो तूने कौन सा तीर मार लिया मेरे भाई? इतना दिमाग लगाया, इनमें क्या हासिल हुआ? अच्छा बकवास बंद करो और मुझे बताओ, पैसों का इंतजाम हुआ है कि नहीं? तुम्हें याद है ना, पिछले महीने मैंने किराया दिया था, इस महीने तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोशिश कर रहा हूँ। हो जाएगा, पता नहीं कहां से हो जाएगा। बातें सुनो इसकी, जैसे बहुत बड़ा आलिम फासिल हो। फोन है तुम्हारे लिए। आपके फोन किसका है? तौसीफ का फोन है। अदनान को सुला रही हूँ मैं, उसको बोलने बाद में बात करें। तौसीफ बेटे, रामीन थोड़ी मसरूफ है, अदनान को सुला रही है। तुम ऐसा करना, कल वो स्कूल आएगी ना, वहाँ बात कर लेना। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। ये क्या बदतमीजी थी? रामीन जी, I want to marry you. कितनी दफा आप एक ही बात दोहराएंगे? मैंने आपको पहले भी मना कर दिया था ना। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर मजबूर हूँ दिल के हाथों। देखिए, आपका दिल आपको मजबूर कर सकता है, मुझे नहीं। मेरे लिए मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है। वो पहले ही अपने फादर से दूर है, मैं नहीं चाहती कि उसकी माँ भी बढ़ जाए, उसको इससे बहुत नुकसान होगा और मैं अपने बेटे का कोई नुकसान नहीं चाहती। सोच लें। देखें प्लीज, आई कांट। फाइल जरूर लेके आ जाइएगा। अदनान तौसीफ को पसंद करता है। अब ये छोटा बच्चा है, आसानी से उसे बाप के रिश्ते में कबूल कर लेगा। समझ जाओ बात। मैं बीमार रहती हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, किसी वक्त भी मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर क्या करोगी? एक मासूम बच्चे के साथ इस दुनिया और वो दुनिया जो इतनी जालिम है, उसका कैसे मुकाबला करोगी? बेटे मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जिए, हंसी खुशी जिए, शौहर के घर मुतमीन जिंदगी गुजारे। अदनान सिर्फ तब तक है तुम्हारे पास जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। आखिर ये जिंदगी नहीं रहेगी तुम्हारे पास, बुढ़ापा आ जाएगा। और उस बुढ़ापे में कोई आसरा नहीं बनेगा रामीन। क्यों है तुम्हारा ये बच्चा? क्या तुम तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारे बच्चे को सर चढ़ाना पड़ेगा? पर मुझे तो इसकी सूरत से ही चिढ़ है। क्या मुसीबत है यार। अदनान बेटे, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस का वक्त है और तुम खेल में लगे हुए हो। दो मुझे इधर। नानो मैंने अभी तो पढ़ा था। कब पढ़ा है? मैंने तो नहीं देखा। चलो शाबाश। नानो अभी खेलने दे। बेटे खेलना नहीं, पहले पढ़ना। इधर दो मुझे। नहीं नानो। अदनान, माँ पूरे स्कूल को ऑनलाइन क्लासेस दे रही है और अपना बच्चा खेल कूद में लगा हुआ है। अदनान क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ अदनान? क्या हुआ? कैसे गिर गए? इधर देखो। अल्लाह, माँ सबके इतनी गहरी चोट। चुप कर बे बच्चा, रोना नहीं रोना नहीं। मैं मामा को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ। अच्छा मेरी जान, अभी मामा को बुलाती हूँ, हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नानो चुप 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 चुप। नानो सबके नानो की जान, चुप, रोना नहीं। अल्लाह हमें फोन तो उठा लो। अल्लाह क्या करूँ, ये तो फोन ही नहीं उठा रही। आसिफ को फोन करती हूँ। हेलो आसिफ बेटे, अदनान गिर गया, उसको चोट लग गई, इतना खून निकल रहा है उसका। अम्मी अम्मी, कैसा कैसा है अदनान? कहाँ है वो? आराम से बेटा, हौसला रखो, बिल्कुल ठीक है। कमरे में आसिफ के साथ है। मामा अच्छा, ये क्या हो गया? मामा मुझे चोट लग गई थी। सो सॉरी। हाँ मेरा बच्चा, मैं ना मीटिंग में थी, मेरा फोन साइलेंट पे था। सो सॉरी। रामीन मैडम आप परेशान ना हो, अब ये बिल्कुल ठीक है। यस, और आपको पता है अब तो आसिफ अंकल में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। अच्छा। और तौसीफ अंकल ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स भी लेकर दी थी। अच्छा जी, मोटू सारी खा भी ली, मेरे लिए नहीं बचाई। तकलीफ तो नहीं है मेरे बच्चे को ज्यादा? कैसा इत्तेफाक है, अभी कल ही मैंने तुम्हारे बच्चे के जरिए तुम तक पहुंचने का प्लान बनाया और आज मौका भी मिल गया। रामीन, ये तुम्हारा बच्चा ही रुकावट था ना, यही सीढ़ी बनेगा मेरी। शुक्र है आप पहुंच गए थे वक्त पर, ना होते तो ना जाने। मैं ना होता तो कोई ना कोई और सबब बन जाता। अदनान जैसे प्यारे और मासूम बच्चे को अल्लाह ताला तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन इस सिचुएशन में आपने उसको जिस तरह से संभाला, मैं एक्चुअली आई एम हम्बल। थैंक यू। चाय चाय तो मैं लेता हूँ जी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके साथ उस मीटिंग में नहीं था, वरना शायद मेरा भी फोन साइलेंट होता और आंटी को बिला वजह परेशान होना पड़ता। मामा आप बैठिए। मैं आप बैठिए ना, आप आराम से चाय पीजिए, मैं देख लेता हूँ। बैठे। अच्छा लगा आप आए, आज टाइम निकाला। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। क्या हुआ बेटे, तुम चल दिए? मैं तो खाना तैयार कर लिया। आंटी आपने रिफ्रेशमेंट्स में इतना कुछ खिला दिया था, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है खाने की कुछ भी। जी क्या बात हुई? मेरा बेटा मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए। एक तो मुझे भूख नहीं आंटी, दूसरी बात राहिब घर पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर मैं खाना उसके साथ नहीं खाऊंगा तो वो अकेला फील करेगा। कितने अच्छे हो बेटे तुम। ऐसा आपको लगता है? बात दरअसल ये है कि मेरे जैसे फैमिली के लिए तरसे हुए लोग इसी तरह लोगों को अपनाते रहते हैं, कहीं से भी मोहब्बत मिल जाती है। सदके जाओ, मेरी दुआएं मेरे बच्चे के साथ है। अल्लाह ताला तुम्हारी सारी महरूमियाँ दूर कर दे, तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्ते और खुशियाँ ही खुशियाँ हों हर तरफ। आमीन। जीते रहो। अब मुझे इजाजत दीजिए। खैर से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक इनकी जिंदगी है, कब तक मोबाइल में टाइम जाया करते रहोगे भाई? तो और क्या करूं मेरे दोस्त, यही पूछ लो कि मेरी और रामीन की लव स्टोरी कहां तक पहुंची। मेरे भाई वन साइडेड लव स्टोरी को लव स्टोरी नहीं कहते। बहुत जल्द ये वन साइडेड लव स्टोरी टू साइडेड लव स्टोरी में तब्दील होने वाली है। अच्छा कैसे? तुमने कभी किसी शिकारी को बंदर का शिकार करते हुए देखा है? क्या क्या मतलब? शिकारी पहले बंदर के बच्चे के करीब जाता है, उसका भरोसा जीतता है। ये देखकर बंदर शिकारी की तरफ खुद ही खिंचा चला आता है और शिकारी के बस में आ जाता है। आसिफ, तुम शादी करने के लिए कितने घटिया हो सकते हो। तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हें बच्चे नहीं पसंद। तुमने कहा था तुम्हें रामीन पसंद है लेकिन उसका बेटा अदनान नहीं पसंद। ये क्या कह रहे हो? हाँ तो मैं कौन सा उसके बेटे को अपने गले का हार बनाने वाला हूँ। जब तक शादी नहीं हो जाती प्यार मोहब्बत का नाटक करूंगा, उसके बाद उसको निकाल फेंकूंगा रामीन की जिंदगी से। नहीं एक मिनट आसिफ, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम मेरे दोस्त हो, रामीन या उसके बेटे के नहीं। हाँ लेकिन मैं एक इंसान भी हूं ना, मैं रामीन की इज्जत करता हूं, बल्कि उससे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे इरादे सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता। आई फील हर्ट। तो ठीक है, अगर ये बात तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाती है तो हम आइंदा रामीन के मौजू पे बात नहीं करेंगे। परफेक्ट। अभी पकड़ता हूं तुम्हें। नहीं पकड़ सकते। पकड़ लूंगा। करके दिखाएं फिर। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ भाई। आप इतने से मैं थक गया, आए ना पकड़े। बेटा 2 मिनट सांस लेने दो। अंकल मैंने कहा था ना मुझे नहीं पकड़ सकते। पकड़ूंगा तो ऐसा बेटा कि छठी का दूध याद आ जाएगा तुझे। एक बार मेरी रामीन से शादी हो जाने पे बस। पकड़े जल्दी। अदनान बेटे क्या कर रहे हो? वो बेचारा ऑफिस से थका हुआ है, तुम दौड़ा दौड़ा कर उस बेचारे को और थका रहे हो। नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। अदनान तो बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा जी चाहता है कि हमेशा मेरे पास ही रहे। कुछ भी कर सकता हूँ मैं इसके लिए। नानू आप जाए ना, हमें खेलने दें। अच्छा भाई खेलो तुम लोग। आए तौसीफ अंकल कम ऑन। तौसीफ भी कितना अच्छा लड़का है, बच्चों से कितना प्यार करता है, सबके साथ खुश रहता है। और ये हमारा अदनान, ये भी उसके साथ कितना खुश रहता है ना। जब अदनान को चोट लगी थी और तौसीफ ने इतना ख्याल रखा उसका, तब से अदनान दीवाना हो गया उसका। जी तो अब खदशा किस बात का है रामीन? तुम अदनान की वजह से इनकार करती थी ना कि वो राजी नहीं होगा। अब तो बच्चा तौसीफ से इतना मानूस है, अब फैसला क्यों नहीं कर लेती हो शादी का? माँ देखो बेटा, राहिब भी बहुत अच्छा लड़का था, उसके अंदर दुनिया जहान की खूबियाँ थी, और तुमने उसे भी ठुकरा दिया, और वो बेचारा दिल बर्दाश्त होकर नौकरी छोड़कर यहाँ से चला गया। अब कैसे भी गंवाना चाहती हो। देखो रामीन, खुशकिस्मती जिंदगी के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। देखिए हम लोग काफ़ी देर से बात डिस्कस कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि बात फ़ोन पर करने वाली है। आप लोग कल स्कूल आ जाइए, हम मीटिंग कर लेते हैं। जी जी मैं 2:30 बजे तक होती हूँ। ठीक है ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दीजिए। सो सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। कोई ऐसी बात नहीं, अदनान सो चुका है, आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। डिनर कॉल अटेंड करने से पहले आप डिनर कर रही थी, भूल गई क्या? सर मैं तो मेरी भूख ही मर गई है। अच्छा एक बात कह सकता हूँ? श्योर। भूख का मर जाना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, मगर ख्वाहिशात का मर जाना आहिस्ता आहिस्ता रूह को मार देता है। ख्याल रखें अपना, चलता हूँ। भूख का मर जाना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, मगर ख्वाहिशात का मर जाना आहिस्ता आहिस्ता रूह को मार देता है। तुम अदनान की वजह से इनकार करती थी ना कि वो राजी नहीं होगा। अब तो बच्चा तौसीफ से इतना मानूस है, अब फैसला क्यों नहीं कर लेती हो शादी का? देखो रामीन, खुशकिस्मती जिंदगी के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। रामीन, क्या हुआ? आप अभी तक जाग रही? बेटी जाग रही हो तो माँ कैसे सो सकती है? मैं ऐसे ही फ्रेश एयर के लिए आई थी, कमरे में घुटन हो रही थी। घुटन रूम में नहीं, तुम्हारे अंदर है। जिन अरमानों को तुमने दफना दिया है वो जीना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं। किस चीज की कमी है मेरे पास में? जो चाहती हूँ खाती हूँ, जो अच्छा लगता है खरीद कर पहन लेती हूँ। औलाद भी है, माँ भी है, लेकिन हम सफर तो नहीं है ना। वो हम सफर जिसके साथ होने से जिंदगी का सफर खूबसूरत लगता है, पल पल जीने को दिल चाहता है। वो राजदान भी नहीं है जिसके साथ होने से कभी कभी इंसान वो बातें कर जाता है जो अपने आप से नहीं कर सकता। आप मुझे जज्बाती करने की कोशिश कर रही हैं ना? जज्बाती होना तो जिंदा इंसान होने की अलामत है बेटा, और अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखे हैं। तो इससे मेरी बेटी कैसे इनकार कर सकती है? रामीन, अपने दिल की खिड़कियां खोलो बेटा, ताजा हवा के झोंके तुम्हारी जिंदगी में बहारें ले आएंगे। डर लगता है माँ, पहली शादी भी जब टूटी थी तो सबने मुझे ही कसूरवार ठहराया था। एहसन की बदसलूकी, उसकी तशद्दुद पसंद जहनियत, उसकी अयाश तबीयत का किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो सबसे इतने खुश अखलाकी से मिलता था, इतना मिलनसार था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तौसीफ। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे डाल कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। राहिब को तुमने इसलिए ठुकरा दिया कि वो कम बोलता है, और तौसीफ को इसलिए ठुकरा रही हो कि वो ज्यादा बोलता है। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम अपने मरहूम अब्बा को क्यों भूल जाती हो? वो कितने अच्छे इंसान थे, सबका ख्याल रखते थे, हर रिश्ते का एहतराम, प्यार वो अपनी जान से बढ़कर करते थे। ईमानदार इंसान थे। मेरी जान, मेरा दिल कहता है तौसीफ बहुत अच्छा लड़का है, बेटी को खुश रखेगा। सच पर? हाँ, क्योंकि माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे मालिक, मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दे। मेरी बेटी की जिंदगी में सुख ही सुख ला दे या मेरे मालिक। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन है भाई? क्या बात है! क्या हो गया? पागल हो गए क्या? मैं तुझसे बात कर रहा हूं भाई। क्या हुआ है, लॉटरी वॉटरी निकलाई है? खजाना खजाना हाथ लग गया है मेरे। रामीन ने बुलाया है और कह रही है कोई खास बात करनी है। खास बात? जेलस हो रहे हो ना? नहीं मेरे दोस्त, जेलस नहीं हो रहा, कंसर्न हूं क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। तो क्या करोगे? जाके रामीन को बताओगे कि अपना फैसला बदल ले? नहीं, लेकिन मैं रामीन के हक में दुआ जरूर करूंगा। उसने पहले बहुत परेशानियां देखी और मैं चाहूंगा कि वो मजीद परेशानियां ना देखे। कितना अच्छा दिल है तुम्हारा, मगर अफसोस तुम्हारे सच्चे और साफ दिल को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मफादात की दुनिया है, यहां सिर्फ फायदे लेने होते हैं। ये मफादात की नहीं, मकाफात की दुनिया है। यहां पर नेकी करने वाले को नेकी और बदी करने वाले को बदी मिलती है। लेकिन तुम्हारी इस नेक नियति के बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर मुझे जरूर मिलेगा, रामीन की सूरत में एक खूबसूरत और अमीर लड़की। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका मैसेज देखा, यकीन नहीं हो रहा था कि आपने बुलाया है, और वो भी किसी खास बात के लिए। यकीन तो मुझे खुद भी नहीं था, पर माँ ने कहा कि किसी ना किसी पर तो यकीन कर लो। किसी ना किसी पर? किसी ऐसे पर जो कभी तुम्हारे भरोसे को ठेस ना पहुंचाए, किसी ऐसे पर जो कभी बदले ना, किसी ऐसे पर जो सोने के रंग का हो, जिसके दोहरे रूप ना हो। तो फिर क्या सोचा आपने? तौसीफ अंकल, तौसीफ अंकल आइए खेलते हैं। बेटा जरूर खेलेंगे, मगर थोड़ी देर बाद मैं आपकी अम्मी से जरूरी बात करूं। नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा, अभी खेलते हैं। अच्छा ठीक है, आपका जवाब बाद में, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता। चल और ये आपकी बारी, मैं जब तक अपनी चल रहा था। 6 और 2 आ गई गोटी। 4 2 आए तौसीफ अंकल, चीटिंग ना करें। 6 2 आए ना, ये गई गोटी। आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको सिर्फ 4 2 आए थे, 4 2 आए थे। मैं चीटिंग कर रहा हूँ? कैसे बच्चों, क्या कर रहे हैं तौसीफ अंकल? आपको यहाँ आनी थी, आप यहाँ ला रहे हैं। आप 1 नंबर ज्यादा काउंट कर रहे हैं। अदनान बस कर दो, क्या हो गया? ये लो गर्मा गर्म समोसे खाओ और तुम्हारे लिए मैं साथ जूस लाए। आंटी वो रामीन कहाँ है? बेटे उसकी स्कूल से कॉल आई है, बात कर रही है। तुम चाय पियो, इतनी देर में आ जाएगी। चलो बेटा जल्दी से जूस लो, ये जूस तुम्हारे लिए है, इसको फिनिश करो और ये बंद करो लूडो, मुझे दो, इधर जाके पढ़ाई पे तवज्जो दो अपनी, हर वक्त खेल कूद। बेटे ये चाय आपके लिए बनाई है मैंने जी, और ये समोसे भी मैंने अपने हाथ से बनाया, खा के देखो बहुत मजे के हैं। थैंक यू। अदनान ये मुझे दो इधर। या अल्लाह, तू मेरी नीयत और इरादों से वाकिफ़ है, तू जानता है मैंने कभी तेरे किसी बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी के ज़ाहिर अमल को देखते हुए किसी से दूरी या नज़दीकी इख्तियार की। मैंने हमेशा हर मामला तुझ पर छोड़ा है अल्लाह, और इस बार तौसीफ और रामीन का मामला भी मैं तुझ पर ही छोड़ रहा हूँ। तौसीफ मेरा दोस्त है, बेचारा थोड़ा भटका हुआ है। अगर तूने रामीन और तौसीफ का मुकद्दर साथ लिख दिया है तो तौसीफ को हिदायत देते ताकि वो रामीन, उसके बच्चे और उसकी माँ के लिए कभी तकलीफ का बायस ना बने। या अल्लाह तू मेरी मदद कर। ये देखे, ये माँ ने ना इसको आपने रहने दिया। अच्छा जल्दी करना। रामीन अभी तक फ्री नहीं हुई? नहीं आंटी, मेरा ख्याल है अभी तक कॉल पे ही है। अल्लाह जाने इसके स्कूल के मसाइल कब खत्म होंगे। वो सॉरी, मुझे तौसीफ एक मीटिंग में जाना होगा अर्जेंटली, तो हम कल बात कर लेंगे। जी ठीक है, आप चाहिए मीटिंग पर, हम बाद में बात कर लेंगे। माँ मेरा ख्याल है मुझे देर हो जाएगी, 10-11 बज सकते हैं, पता नहीं क्या टाइम होगा। आप बस खाना खा लीजिएगा और अदनान को भी खिला दीजिएगा। खैरियत से जाओ। नान डिनर कर लेना, नानों को तंग मत करना। ओके बाय, और मेरे लिए आइसक्रीम भी ले आना। ठीक है। ये देखो आप भी मारे ना वहाँ पे। बेटे तुम्हारा होमवर्क का वक्त हो गया, जाओ जाके अपना होमवर्क करो, बंद करो इसे, उठ जाओ बेटे। मैं आके देखूंगी क्या लिखा है आपने। ये भी अच्छा है तौसीफ, तुम दोनों का प्रोफेशन एक है, मियाँ बेबी का एक ही प्रोफेशन हो तो एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाती है। जी ठीक कह रही हैं आप। या अल्लाह सबकी खैर, सबका भला। हाँ मगर ये तो तभी मुमकिन होगा ना जब आपकी बेटी के पास बात करने की फुर्सत होगी। वाह वाह वाह, अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया, पूछा भी नहीं दोस्त से कि तुम खाओगे। अरे यार I'm so sorry, मुझे लगा तू खा कर आएगा। खा ले। खा कर नहीं, खिला कर आ रहा हूँ, अपना भेजा रामीन की खपती माँ और चिपकू बेटे को। तौसीफ क्या बोल रहा है? वही बातें कर रहा हूं जो करनी चाहिए। जहर लगते हैं मुझे वो दोनों। तौसीफ अजीब आदमी है तू। एक तरफ तू रामीन से शादी करने की मिन्नतें कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली की बेइज्जती कर रहा है। तू कैसे बनेगा उनकी फैमिली का हिस्सा? तो किसने कहा कि मैं उसके खानदान का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे ही शादी होगी मैं रामीन को लेकर उसके दूसरे बंगलों में शिफ्ट हो जाऊंगा और फिर उसकी माँ और बेटा सड़ते रहे बैठे उसी घर में। मैं उसे ऐसे मुट्ठी में करूंगा कि वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे। जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं रामीन को जाके सब कुछ बता दूंगा। अच्छा तो ठीक है, बता दो जाके। मैं भी कह दूंगा कि तुम जेलस हो रहे हो हमारे होने वाले रिश्ते से, इसलिए अपने मर्जी से बातें बना रहे हो। मैं तुझ जैसे घटिया और दोगले इंसान की असलियत उसके सामने खोल दूंगा। तो ठीक है, कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं रामीन को मुकम्मल तौर पे शीशे में उतार चुका हूं। अदनान आइसक्रीम लेकर आया था आपको सरप्राइज करने के लिए, लेकिन यहां तो इन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया। वो है एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है और जिस शीशे में तुमने मुझे उतारा था ना, वो तो टूटकर चिकनाचूर हो चुका है। रामीन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे झूठ मकरो फरेब के सब रंग हम देख चुके हैं और एक रंग हमने और भी देखा है। मुखलिस और सच्चे लोगों को मेरा खुदा कभी धोखा नहीं देने देता। और कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं है। और जिंदगी में आइंदा कभी गलती से भी मेरे सामने अपनी शक्ल लाए ना, तो वो हश्र करूंगी। खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, समझे? आ जाए अम्मी। थैंक यू सो मच बेटा। आज मुझे यकीन हो गया, इस दुनिया में जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है। अगर तुम नहीं होते बेटा, तो मैं अपनी बेटी से शायद कभी नजरें भी ना मिला सकती। ये लो बेटा, चाय पियो। नाराज हो गया? नहीं, मायूस हूं। थोड़ी सी तो मेरा बच्चा राहिब के बारे में सोचो। हाँ बेटा, गलती तो हम दोनों से हुई है। तुम राहिब जैसे अच्छे इंसान को नहीं पहचान सके हो, उसकी मोहब्बत को नहीं पहचान सके हो, और मैं तौसीफ के अंदर छुपा एक बुरा इंसान और उसके मकार चेहरे को नहीं पहचान सके। जरा सोचो राहिब के साथ क्या होगा। गलत तो उसके साथ हुआ है। वो बेचारा बार बार ठुकराए जाने के बावजूद तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करता रहा। क्या उसे उसके खलूस का बदला नहीं मिलना चाहिए? क्यों ये भी तो देखे। तौसीफ ना सही लेकिन राहिब तुम्हारे बाप की तरह अच्छा इंसान है, वो कभी नहीं बदलेगा। पूरी जिंदगी मेरी बेटी का साथ देगा। तुमने राहिब के दिल की मोहब्बत को अपनी आंखों से देख लिया है, उसकी अच्छाई को पहचान लिया है और तौसीफ के बुरे चेहरे को भी अपनी आंखों से देख लिया है। बेटा, सच्चे रिश्ते रिज्क की तरह होते हैं, बर वक्त उनकी कदर कर लेनी चाहिए। मैं देखती हूँ ऐसा कौन आया होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा अंदर आओ। आजा। आओ बैठो। अस्सलामुअलैकुम। नहीं पापा। आंटी मैं I'm sorry, मैंने आप लोगों को इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे एहसान तो हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। आ बैठो। नहीं नहीं आंटी मैं बैठने नहीं आया हूँ, इजाजत लेने आया हूँ। इजाजत? कैसी इजाजत? मैं वापस अपने शहर इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पर नौकरी ढूंढने की, नहीं मिली और जो मिली वो मेरे लायक नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वापस अपने शहर इस्लामाबाद चला जाऊंगा। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। सुनो, अगर चाहो तो हमारे स्कूल में अपनी जॉब को रिज्यूम कर सकते हो। मेरे स्कूल को हमारे जैसे ईमानदार और हार्ड वर्किंग इंसान की ज़रूरत है और मुझे भी। सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो। तुम दूर क्यों खड़े हो, तुम भी तो मेरे बेटे हो, पास आओ। जीते रहो, खुश रहो दोनों एक साथ।